और हम चन्नी जैसे लोग, अमृतपाल जैसे लोग और पार्लियामेंट में कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं खालिस्तानियों के फेवर में। आज हमारे इस संविधान के मंदिर के अंदर फिर वही, फिर भिंडरांवाला तैयार किया जाएगा क्या? दूसरी बात, ये कहता है 20 लाख लोगों से जीता है, हम क्या करें 20 लाख लोगों से जीता है? कल को पूरा पंजाब अगर अमृतपाल को जता देगा, क्या खालिस्तान बना देंगे? इसकी ऐसी की तैसी, खालिस्तान के आगे बनने दिया हमने, बनने दिया खालिस्तान। अमृतपाल पन्नू का सपोर्टर, पन्नू उसका सपोर्टर, आईएसआई का एजेंट पन्नू, रोज तिरंगे झंडे का अपमान, चाइना का एजेंट, फुल बैक। और पूरा प्रोटेस्ट होता है जब पंजाब के अंदर नंगी कृपाने बंदूकें निकाल करके पूरे पंजाब को फिर हिला दिया जाता है, जब जेल में बंद कर दिया जाता है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी, ही इज द चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया एंटी टेररिज्म फ्रंट, ही हैज फॉट टेररिस्ट एंड आई वॉन्ट हिज रिस्पॉन्स। बिट्टा जी, वंदे मातरम गोस्वामी जी, पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद, सलूट करता हूँ आपको, जिस तरीके से आपने यातिन मलिक पूरी टेररिस्टों की पुरानी कहानी को दुनिया के अंदर सबको बताया, मैं सलूट करता हूँ। कौन लाया था भिंडरांवाला को, किसने तैयार किया था? श्रोमणी अकाली दल को खत्म करने के लिए भिंडरांवाला तैयार किया था कि सदा सदा कांग्रेस पंजाब में राज करेगी, अकाली दल खत्म हो जाएगा? क्या राज हुआ? ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, हरमंदर साहब का अपमान हुआ, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाइयों को मारा गया, इंदिरा गांधी को शहीद किया गया, 84 के दंगे हुए। आज तक 38 साल, 40 साल हो गए गोस्वामी जी मुझे लड़ते लड़ते, मेरी जवानी, मेरा बचपन अस्पतालों में, और आज फिर वहीं गुजर रहा है। हमें कभी बम्बों से दर्द नहीं हुई, शरीर का आधा हिस्सा तोड़ दिया बम्बों से, दर्द नहीं होती, फूलों की तरह लगते, खुशबू की तरह। पर जब चन्नी जैसे लोग, जिन लोगों को समझ नहीं कैसे सीएम बने, जो लोग पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं वो अमृतपाल पन्नू का सपोर्टर, पन्नू उसका सपोर्टर, आईएसआई का एजेंट पन्नू, रोज तिरंगे झंडे का अपमान, चाइना का एजेंट, फुल बैक। और पूरा प्रोटेस्ट होता है जब पंजाब के अंदर नंगी कृपाने बंदूकें निकाल करके पूरे पंजाब को फिर हिला दिया जाता है, जब जेल में बंद कर दिया जाता है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं। आज हमारे इस संविधान के मंदिर के अंदर फिर वही, फिर भिंडरांवाला तैयार किया जाएगा क्या? 40 साल हो गए लोगों का खून देखते देखते, हम सुधरे नहीं, हम फिर गंदी पॉलिटिक्स की तरफ आ गए, हम फिर बेगुनाहों के कत्लेआम करने की तरफ आ गए, हम फिर देश को तोड़ने की तरफ आ गए। ये कहां का इंसाफ है? पहले तो चन्नी को सवाल पूछना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह के बारे में बोला, मर गए, मरना होता है आम आदमी दुनिया से चला गया, कहना चाहिए था शहीद हो गए चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह। हजारों कांग्रेसी शहीद हुए, बीजेपी के कार्यकर्ता शहीद हुए, आरएसएस के कार्यकर्ता शहीद हुए, सीपीएम सीपीआई के शहीद हुए। चन्नी को पता नहीं, पहले तो इसको पूछो, मरना कहते इसको समझ कितनी है, किस आदमी को इन्होंने खड़ा कर दिया? दूसरी बात, ये कहता है 20 लाख लोगों से जीता है, हम क्या करें 20 लाख लोगों से जीता है, कल को पूरा पंजाब अगर अमृतपाल को जता देगा, क्या खालिस्तान बना देंगे? इसकी ऐसी की तैसी, खालिस्तान के आगे बनने दिया हमने, बनने दिया खालिस्तान। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, ये 20 लाख लोगों ने जता दिया तो हम क्या करें? पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए, हिंदुस्तान एक हो जाए, खालिस्तान नहीं बनेगा, हम इसके विरोध में हैं, हम इसके विरोध में रहेंगे। पर याद रखना, कांग्रेस को बर्बाद करने वाले कौन थे? दिग्विजय सिंह। कौन थे? दिग्विजय सिंह। क्या कहा था? हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ले डूबा, बर्बाद कर दिया। अब फिर उस रास्ते पर चल पड़े, हमने खून से सजाई थी कांग्रेस, हमने अपनी कांग्रेस खून से सजाई थी, हम कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, छोड़ दिया राजनीति को, गंदी राजनीति नहीं करते, खून से सजाई हुई कांग्रेस।
और कांग्रेसियों ने कुर्बानी दी। ये कांग्रेस की उन शहादतों कुर्बानियों के ऊपर क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं या फिर बर्बाद कर रहे हैं? जो कांग्रेसी जिन्होंने अपने माँ बाप बच्चे सब खो लिए, घरों के घर उजाड़ दिए, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? इनको मैं कह देना चाहता हूं, याद रखें, बिट्टा चुनाव नहीं लड़ता, 125,000 में एक लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं फिर गोविंद, अकेला ही बहुत हूं, अकेला ही बहुत हूं। चन्ने तेरे जैसे लाखों आ जाए, खालिस्तान नहीं बनेगा। पन्नू के खिलाफ थे, पन्नू के खिलाफ है, याद रखना। गंदी पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत करना। तुम लोगों ने, हमारे उस वक्त के लीडरों ने बर्बाद किया पंजाब को, हमारा हरमंदर साहब जय डेरी किया है, इंदिरा गांधी को शहीद किया है, कितनी बर्बादी हुई एक छोटी सी गलतियों से। एक बिंडरा वाला खड़ा कर दिया, सदा राज करेंगे, अब इनको अमृतपाल मिल गया, वाह भाई वाह। ये आज का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। वो यातिन मलिक का आपने चर्चा किया, वो यातिन मलिक जिसको लाल कारपेट से स्वागत किया जाता था दिल्ली के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी तस्वीरें, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, आज वो जेलों में बंद है। क्या कल को फिर यातिन मलिक बाहर आएंगे? क्या ऐसे हालात होंगे 370 धारा फिर लगेगी? क्या ऐसे हालात होंगे क्या राम जन्मभूमि का निर्माण के ऊपर रोक लगेगी? क्या बात कर रहे हैं? देखो, आपकी राजनीतिक पॉलिटिकल लड़ाइयां लड़ो, पार्लियामेंट में कुछ भी बोलो, पर याद रखना, इस देश के साथ खिलवाड़ करोगे ना, देश की जनता जागेगी, देश आपको छोड़ेगी नहीं। 370 धारा जो हटी है ना, आज देखो कश्मीर के अंदर क्या हालत हो गई। क्या इलेक्शन से कुछ देर पहले ये हालात थे? गोस्वामी जी बताइए, क्या हम चर्चा में कभी आए, हम कभी डिबेट में आए? क्यों? क्योंकि आतंकवाद समाप्त हो गया, अब आतंकवाद फिर शुरू हो गया, फिर चर्चा शुरू हो गई, फिर नया पिंडरावाला तैयार हो गया। कमाल है, देश दुनिया देख रही है। देखो जी, पॉलिटिकल पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, राष्ट्र प्रथम है। जो अपने राष्ट्र के साथ धोखा करेगा, वो कारगिल के जो शहीद हुए ना, जो हमारा विजय दिवस, उनका अपमान करेगा। जवान वर्दी पहन के जाता है गोस्वामी जी, मौत का कफन बांध करके, हिंदू भी सिख भी ईसाई भी, पर वर्दी पहन के वो भारतीय होता है, मौत का कफन बांध करके। और हम चन्नी जैसे लोग, अमृतपाल जैसे लोग, खालसा जैसे लोग, और पार्लियामेंट में कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं खालिस्तानियों के फेवर में, हम खालिस्तान बनाएंगे या खालसा जीता पंजाब में। बेअंत सिंह जिसने इंदिरा गांधी को शहीद किया, लोगों ने जता दिया, तो हम उसको मान लें? अगर इंदिरा गांधी को शहीद ना किया होता, गोस्वामी जी मेरा आपसे सवाल है, जरूर जवाब देना, क्या 84 के दंगे होते? मेरा सवाल है, अगर भिंडरावाला तैयार ना किया होता उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, क्या ब्लू स्टार ऑपरेशन होता? अगर भिंडरावाला दिल्ली में ना बुलाया होता उस वक्त, प्रोटेस्ट ना किया होता बंदूकों से गाड़ियों में, क्या 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होता? क्या 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम होता? अरे गंदी राजनीति छोड़ो, छोड़ो गंदी राजनीति, बहुत हो चुका तमाशा पंजाब के अंदर। हम नेता लोग अपने घर भर लिए, हमने पैसा कमा लिया, बच्चे विदेशों में बेच दिए, लूट मार पंजाब में कर दी, और पंजाब को नशेड़ी बना दिया इन्होंने, उड़ता पंजाब, और बच्चे विदेशों में चले गए, खाली कर दिया पंजाब इन्होंने। क्या चाहते हैं खालिस्तान? इनकी इंटेंशन बहुत क्लियर है बेटा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ।